बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इसके बाद जेडीयू का नया स्लोगन होगा, सच्चा है अच्छा है, चलो नीतीश कुमार के साथ चलें, साथ में संकल्प हमारा एनडीए दोबारा। इस नए स्लोगन से इस बार आप लोग चुनाव में उतर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा स्लोगन जो है ये बहुत ही उपयुक्त स्लोगन है। आपने कहा था ना कि अगली बार नीतीश कुमार, तो जब नीतीश बाबू दोबारा 2015 में, हाँ दोबारा के तिवारा जब बने हैं, तो जो जो भी जनता के साथ वायदा किया सबको उन्होंने पूरा किया है। तो जो पूरा करता अपना वायदा को सच्चा हुआ ना, अपना वादा निभाया, और जो काम हुआ है बहुत अच्छा किया है। तो इसलिए हम लोग बिहार की जनता के सामने उनको याद दिलाना सिर्फ चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व सच्चा है, जो कहता है उसको पूरा करता है, और काम करने में कहीं भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया है, बल्कि पूरे बिहार में एक सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखा है। समय कम है, 18 तारीख को अधिसूचना जारी होना है, कब तक आप लोग सीटों का ऐलान कर देंगे साथ में बैठ के? बहुत जल्दी सीटों का ऐलान हो जाएगा, कौन कौन सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी, वार्ता करीब करीब संपन्न हो चुकी है। तो आप लोगों में तालमेल एक तरह से सब बन चुकी है, सहमति? बहुत ही अच्छा तालमेल रहा है। हम लोग का जो एक पुराना सब रिश्ता भी रहा है, तो हम लोग के कहीं किसी बात को लेकर के कोई बहुत इस तरह की बात नहीं होती। सर, एक खबरें बहुत जोरों से चल रही है कि आप लोग बिहार की राजधानी पटना, इसमें इस बार जेडीयू अपना उम्मीदवार देगी या नहीं देगी? देखिए, पटना जिला, अब नए नए जिले बनते जाते हैं ना, तो पटना जिला का पुराना जिला कितना है जरा आप देखिए, नालंदा भी उसी में है। और लोग भूल जाते हैं कि पटना जिला का दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वो मुंगेर जिले में पड़ता है, लेकिन वो पटना का हिस्सा है। तो पटना कमिश्नरी में इतना ही मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से एक से ज्यादा सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। क्या आरसीपी सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे क्या? आरसीपी सिंह तो चुनाव अभी लड़े थे ना लोकसभा का चुनाव। अरे अभी तो हम लड़े थे, अभी तो हमारा राज्यसभा में चुनाव ही लड़के गए हैं ना। लोकसभा चुनाव किसी क्षेत्र? भाई देखिए ना, ये अभी हमको कहल बताएंगे हम, लेकिन हम तो अभी चुनाव लड़े हैं। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह, कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया पटना।